हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट पी जो कि इस यूनिट सर्कल पर मूव कर रहा है, घूम रहा है डिफरेंट पोजीशंस पर, उसके लिए एक्स रेडियंस की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स एंगल है वो रेडियंस में उसकी वैल्यू डिफरेंट पोजीशंस के लिए क्या होगी। तो अगर ये पॉइंट जब ए पर है, अगर पॉइंट पी ए पर है तो शुरू में इसका एंगल 0 डिग्री होगा, और जब ये पॉइंट घूमता हुआ बी पर आ जाएगा तो इसका ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और जब ये एंगल ये पॉइंट थोड़ा सा और मूव करते हुए सी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, सी पर चला जाएगा, तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, 90 बढ़ता चला जाएगा। जब ये पॉइंट सी से डी पर आ जाएगा तो 180 प्लस 90 270 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए एक्स की वैल्यू 270 हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये पॉइंट डी से चल के वापस ए पर आ जाएगा तो इसका एंगल 270 प्लस 90 360 डिग्री हो जाएगा। तो ए पोजीशन पर आपने देखा कि पहले ये 0 डिग्री हुआ, फिर 360 डिग्री हुआ, तो एक्स की दो वैल्यू ए पर ये पॉसिबल हैं, एक तो 0 डिग्री और एक 360 डिग्री। अब जब ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा, पॉइंट ए पर आ जाएगा पी, फिर ये आगे फिर मूव करना शुरू करेगा, दोबारा दूसरा चक्कर लगाने लगेगा। जब ये दूसरा चक्कर लगाने लगेगा, पहले चक्कर में आपने देखा कि 90, 180, 270, 360 डिग्री यहाँ पर आ गया, मतलब कि इस पोजीशन पर आ गया, मतलब कि यहाँ पर आ गया एक चक्कर पूरा काटने के बाद। उसके बाद फिर दोबारा से ये 90 डिग्री का एंगल और ट्रैवल कर जाएगा, जब ये ए से वापस बी पर जाएगा दूसरी बार, पहली बार तो बी से जाके आ चुका, एक चक्कर पूरा कर लिया, उसके बाद जब दोबारा बी पर जाएगा तो 360 एंगल जो पहले बन चुका था उसमें 90 फिर जुड़ जाएगा, 360 में 90 का जुड़ जाएगा तो 450 हो जाएगा, और फिर 450 के बाद फिर बी के बाद ये सी पर आ जाएगा, तो सी के लिए एक्स की वैल्यू 450 प्लस 90 यानी कि 540 हो जाएगी। उसके बाद जब ये दोबारा सी से डी पर आएगा तो एक्स की वैल्यू में 540 प्लस 90 630 हो जाएगी, और इसी तरीके से जब ये डी से वापस ए पर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू 630 प्लस 90 720 हो जाएगी, और फिर इसी तरीके से ये इसके चक्कर लगाता रहेगा, और हर चौथे क्वाड्रेंट के लिए जब ये क्रॉस करेगा तो एक्स की वैल्यू 90 बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अगर ये एक चक्कर के बाद 360 डिग्री था, दो चक्कर के बाद 720 हो गया, फिर उसके बाद 720 के बाद ये दोबारा से अगर तीसरा चक्कर लगाना चाहे तो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो 720 प्लस 90 810 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से जब ये बी से सी पर आएगा तो 810 प्लस 90 यानी कि 900 डिग्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, एक चक्कर में एक्स की वैल्यू 360 हो जाएगी, दो चक्कर के लिए 360 और बढ़ जाएगी यानी कि 720, तीन चक्कर के लिए 720 प्लस 360 1080 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है कि जब ये पॉइंट ए पर होगा तो इसका एंगल 0 डिग्री हो सकता है, जब ये शुरू करेगा, जब एक चक्कर पूरा लगाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। पाई का मतलब आपको बताया गया था, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो पाई का मतलब 180 हुआ, तो इसका मतलब 2 पाई का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए हम 2 पाई लिखेंगे, और उसी तरीके से 4 पाई के लिए 720 लिखेंगे, क्योंकि 4 पाई का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 यानी कि 720 डिग्री। और उसी तरीके से 6 पाई का क्या मतलब हुआ, 6 × 180 डिग्री 1080 डिग्री, एंड सो ऑन। तो ए पोजीशन पर जो एक्स की वैल्यू होगी 0 डिग्री या 0, 360 या 2 पाई, 720 या 4 पाई, 1080 या 6 पाई होगी।
और उसी तरीके से जब ये पॉइंट पी पर आएगा तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 हो जाएगा। और उसके बाद जब ये वापस एक चक्कर घूम के यहाँ पर आएगा तो ये 450 हो जाएगा, 450 डिग्री का मतलब हो गया 5 पाई बाय 2, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 90 डिग्री मतलब 5 × π/2, ये हो गया 5π/2, तो 5π/2 हो गया। उसी तरीके से 810 को आप लिख सकते हो 9 × 90 डिग्री मतलब 9π/2 एंड सो। और उसी तरीके से जब ये पॉइंट सी पर आएगा तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 180 डिग्री, जब ये एक चक्कर आधा चक्कर लगाएगा तो 180 डिग्री, और जब ये एक चक्कर पूरा लगाकर 360 और फिर आधा चक्कर और लगाएगा तो 360 डिग्री और प्लस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, तो 540 डिग्री आ जाएगा। आप ये भी समझ सकते हो कि अगर ये पॉइंट यहाँ पर पहले था तो इसके x की वैल्यू थी 180 डिग्री, फिर जब ये दोबारा यहाँ पर पहुँचेगा तो उसको 360 डिग्री और कवर करना पड़ेगा, तो 360 डिग्री अगर हम ऐड करते चले जाएँ तो हमें ये सारे एंगल मिलते जाएंगे। जैसे 180 डिग्री में हमने 360 ऐड कर लिया तो 540, फिर 540 डिग्री में 360 डिग्री और ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 900 डिग्री, और फिर 900 डिग्री में फिर अगर हम 360 डिग्री ऐड करें तो फिर आपको मिल जाएगा 1260 डिग्री एंड सो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पाई का मतलब तो होता ही 180 डिग्री है, 540 डिग्री को आप लिख सकते हो 3 × 180 डिग्री, उसको आप लिख सकते हो 3 × 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब हुआ पाई, तो 3 × π, तो ये 3π हो गया। और इसी तरीके से आप देख रहे हो कि भी 900 को आप लिख सकते हो 5 × 180 डिग्री यानी कि 5π। और इसी तरीके से जब ये पॉइंट डी पर आएगा तो इसके एंगल्स, पहला जब आधा चक्कर लगाने के बाद 90 और मूव किया तो 270 डिग्री आ गया, अब 270 डिग्री को आप लिख सकते हो 3 × 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2 मतलब 3π/2, तो ये आ गया। और उसी तरीके से फिर आप जब ये यहाँ पर आएगा उसके बाद एक चक्कर लगा के दोबारा यहाँ पर आएगा तो 630 डिग्री आ जाएगा, 630 डिग्री का आप लिख सकते हो 7 × 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 2 तो 7π/2। उसी तरीके से आप 990 डिग्री का लिख सकते हैं 11 × 90 डिग्री, और 90 डिग्री की जगह लिख सकते हैं पाई बाय 2, तो ये बन गया 11π/2 एंड सो ऑन। तो ये चारों पोजीशन के लिए एंगल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर